हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज शाम हो चुके हैं और आज दीक्षा भूमि जो है सभी के लिए खुल चुकी है। दीक्षा भूमि में जो है भीम अनुयायी आना शुरू हो गए हैं। आप इस गेट पर, आप मेन गेट पर देख सकते हैं कि चहल पहल हो चुकी है और बाहर जिलों से, बाहर गाँव से जो है भीम अनुयायी यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको मैं दिखा दूँ तो आज जो है, आज की जो रौनक है वो काफ़ी दिलचस्प है और भीम अनुयायी जो है आज काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। मैं आपको दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ, तो आप इधर मेरे पीछे में देख सकते हैं, तो काफ़ी संख्या में जो है बाहर गांव से भीम अनुयायी यहाँ पर आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं और इधर से भी आना शुरू हो गए हैं। आज जो है यह रोड काफ़ी भीड़ से दिखाई दे रही है, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भीम अनुयायी को दीक्षा भूमि में एंटर करते हुए। बाबा जी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? अच्छा अच्छा दोस्तों, ये सभी हिंदी में बात कर रहे हैं। कहाँ से आए जी बाबा जी? कौन से गांव से? कौन से शहर से आए हो? कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? लखनऊ से आए हैं सभी लोग। ओके, दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा साहब के प्रति श्रद्धा देख सकते हैं भीम अनुयायियों में। अब देख सकते हैं कि कल से जो है वो यहाँ पर धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हो जाएगा शुरू। ये पता नहीं था, फिर भी लोग जो है वो कल से आना चालू हो गए हैं, लेकिन आज देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीम अनुयायी यहाँ पर आ चुके हैं दीक्षा भूमि में। और आप ये देख सकते हैं मेन गेट जो है किस तरह से सजी हुई है। हमेशा की तरह मेन गेट ऐसे ही लगती है दोस्तों, ऐसे ही डिवाइडेशन होता है। दोस्तों आप भीम अनुयायियों को देख सकते हैं, आज 9 अक्टूबर को भीम अनुयायी दीक्षा भूमि में आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे संख्या में आए हैं, आप देख सकते हैं। कल की शाम को हमने देखा था कि यहाँ पर भीम सैनिक, भीम अनुयायी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे, और आज देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। आज से ही दीक्षा भूमि जो है भीम अनुयायियों से भरने जा रही है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में, इधर से जाते हुए और इधर में आते हुए आप देख सकते हैं। आज का यह दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आज दीक्षा भूमि की जो लाइटिंग है दोस्तों, यह 6 बजे से ही शुरू हो गई है। देखो कितना पावर होता है। कल ही हमने वीडियो बनाया, आज सुबह उन्होंने सभा लिए समिति के लोगों ने, आज भंती जी सुरेश ससाई इन्होंने भी प्रेस क्लब में सभा लिए हैं। और आज से ही ये जो दीक्षा भूमि है ये सभी के लिए जो है वो खुली हो चुकी है दोस्तों। बाहर में भी जो है काफ़ी संख्या में भीम अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अंदर एंट्री करने का रास्ता जो है वो डिवाइड कर दिया गया है पूरी तरह से। ये उस साइड से जो है वो जाने का रास्ता है और इस साइड से जो है वो बाहर निकलने का रास्ता है। इधर आप देख सकते हैं और पूरी तरह से जो है डिवाइड हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इधर में जो है वो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड है, गार्ड रूम है। और इधर में भिक्षु उनको इधर में भोजन दिया जाता है, तो इधर में कुछ भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। जी जी जी, कहाँ से हैं बंती जी? हम तो झारखंड से हैं। झारखंड से हैं। बाबा जी कहाँ से हैं? बिहार से। एक माला दिख रही है, आप किसको पूछते हैं? हम तो कबीर साहब। कबीर से? कबीर से। अच्छा, कुछ कबीर के बारे में बताएंगे? कबीर साहब की पूजा करते हैं। कबीर दास जी का कोई दोहा वगैरह आता है आपको? जी बताइए। कबीर दास के दोहा, कबीर दास की
कबीर साहब को। चलो आप बोल दीजिए, जब तक आप निकाल लीजिए। कबीर दास बोले हैं, हाँ? ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता, मूला से मुर्गा भला, शहर जगावे सूता। हाँ, ब्राह्मण से कहीं गधा अच्छा है जो काम में कहीं कहीं आता है, अच्छा, हैं? देव से भला कुत्ता, अगर देवता पाले घर में चोर घुस के पीट रहा, अगर कुत्ता पालेंगे मजबूत तो चोर से लड़ेगा, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हैं? बहुत सही, हैं? सही। अब मूला जो है खिला पिला के सुताएंगे तो रात भर सुते, अगर मुर्गा रहेगा तो 4 बजे भोर में आज सबको जगा देगा। बिल्कुल जबरदस्त, है ना? बिल्कुल सही, यही है, मानना पड़ेगा। आपका नाम बता दीजिए। भंते से। भंते सुदर्शन बौद्ध। कहाँ से? हम झारखंड से हूँ। झारखंड की एरिया बताइए। एरिया गढ़वा क्षेत्र। ओके। दोस्तों देख सकते हैं, छोटे से बच्चे भी दीक्षा भूमि में आए हुए। कहाँ से हैं आप लोग? हम बाराबंकी जिला। बाराबंकी जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश से आते हैं? अच्छा, आज ही आए हैं आप लोग? नहीं, कल आए। कल आए? तो कल एंट्री नहीं थी अंदर में, है ना? बाहर में सोए फिर? कहाँ पर सोए? बाहर में सोए। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, आज अंदर में ही रहना पड़ेगा आपको, है ना? ओपन है आज, ठीक। ओके ओके। जय भीम। बोलो बेटिया। जय भीम, बोलना सीखो। जय भीम बोलो। जय भीम, जय भीम बोलो। जय भीम, जय भीम। देखो वो कुत्ता भी देख रहा है, शायद वो नहीं बोल सकेगा। चलो ठीक, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों दीक्षा भूमि में भीम अनुयायी आ चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर में बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के नीचे में आप देख सकते हैं भीम अनुयायी जो है वो आ चुके हैं। इधर भिक्षुगण आ चुके हैं, काफ़ी दूर से आ चुके हैं। दोस्तों इधर में काफ़ी सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं काफी दूर से आए हुए लोग हैं। अभी भीड़ नहीं समझो, तो सुन लो। पानी ले। हेलो, पानी ले। इधर में भी आप देख सकते हैं भिक्षुगण आए हैं और बौद्ध अनुयायी भी हैं इसमें साथ में। दोस्तों इधर में भी देख सकते हैं विश्राम करते हुए बाहर से आए हुए, और इधर जो है स्तूप के अंदर जाके बाबा साहब को अभिवादन करके भी जो है वो लोग निकले हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं इधर में। और ये दीक्षा भूमि के सामने से हम वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्रंट गेट जो है वो हम कवर कर रहे हैं, और रोशनाई से कितना सुंदर दिखाई देता है। और इधर में जो है वो हमारा स्तूप है, दीक्षा भूमि स्तूप है, कितना सुंदर दिखाई देता है आप लाइटिंग में देख सकते हैं। और इधर में जो है आज लाइट पूरी जल रही है, तो ये जो इधर में बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो वहाँ पर अभी रोशनियाँ है, रोशनी है आज देख सकते हैं। कल यहाँ पर लाइट नहीं थी दोस्तों। कल अगर हम बोलने नहीं जाते तो शायद ये आज भी नहीं कर पाते, कल से करते, लेकिन हमें बोलना बहुत ज़रूरी था कल, और आज उन्होंने मीटिंग वगैरह ली है। ये रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका स्टैचू जो बाहर में है स्तूप के बाहर में, और ये तथागत भगवान बुद्ध। और रुको आजी भाई, रुको रुको, और ये आजी भाई आई हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से, कहाँ रहते हो?
हिंगने वजन आले आपण सकाळी पाहिलं होतं ना यायचा व्हिडिओ आहे याले म्हणतो दररोज दिसतो आम्हाला तो मी दररोज दिसतो कशी अरे आजीबाई काय आहे ना की मला चांगला वाटते की मी आपल्या दीक्षाभूमीला किंवा मी आपल्या बौद्ध धर्माचा जो जो काही मला वाटतो ना मी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो मला चांगला वाटते ना तुम्हाला काय वाटतं आम्ही रोज पाहतो तुमचे व्हिडिओ ओके बाबासाहेबांसोबत बोलतो पर मी पाहिलं त्या मी बाबासाहेबांसोबत बोलत नाहीये तुमच्या सारखेच लोक आहेत ना जे येऊ शकतच नाही कोणाच्या मानेचा त्रास आहे कोणाच्या पायाचा त्रास आहे ना तर ते लोक घरीच बघून राहिले मी जेव्हा पण दाखवते ना तर ते घरी बसल्या बसल्या समजत आहेत की दीक्षाभूमीमध्ये आम्ही गेल्यासारखं वाटतं त्यांना मी जसं दाखवते ना तर तुम्ही तर येऊन गेले पण त्यांना त्यांना बिचाऱ्यांना बघायचं तर मी दाखवण्याचा प्रयत्न करते ओके 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 काय म्हणतात दादा बरं हा ते हे कालच्या आहेत तेच सांगत आहे की काल काल नाही काल लाईव्ह तर दाखवलं होतं एक ऑफलाईन शूट केलेला होता ना तर मला वाटलं की त्याला सकाळी दाखवायचं सकाळी तो पब्लिक केला आम्ही करून ठेवलेला रात्रीच होता तो काल काय झाला पूर्ण लाईटिंग बंद होती माहित आहे आज सगळी 6 वाजतापासून ओपन आहे म्हणजे त्याचा प्रभाव हा पडतो जेव्हापर्यंत आपण बोलणार नाही तसंच होणार आहे बोलल्याच्या नंतर हा सगळा इफेक्ट झालेला आहे मी आपल्या लोकांना सांगितलं भेटा त्यांना भेटलं सगळे भेटले आज मीटिंग झाली त्यांची 12 वाजता मीटिंग झाली आज सायंकाळी 5:30 सुरेश ससाईंची तिकडे मीटिंग झाली प्रेस क्लबला सगळं समजलं म्हणजे हे कालपासून करणार होते उद्यापासून करणार होते उद्यापासून है ना उद्याच्या दिवसापासून त्यांनी सगळं आजपासून ओपन केलं असं असा राहत कारण बाहेरून आलेले लोक काल बाहेर झोपले म्हणून मग आम्ही आज आलो म्हटलं आज बघूया बाहेर ठेवते की आतमध्ये नाही आज तर मला पक्का माहिती होता की आज ते ठेवू शकणार नाही कारण की खूप लोक गेलेले होते ना भेटलेले चला ठीक आहे मी अपडेट देत राहील जय भीम जी जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम ठीक आहे दोस्तों इधर में भीम अनुयायी जो है आज ग्राउंड में जो है आराम कर रहे हैं कल इनको बाहर रहने के लिए मिला था आज अंदर में आ चुके हैं अजी आजी भाई जय भीम कहाँ से आए आप लोग कहाँ से आए हो धाराशिव धाराशिव कौन से जिले में आता है उस्माना जिल्हाच आहे अच्छा अच्छा बरोबर बरोबर आज आले तुम्ही आज काल बसलो तो आज उतरलो आज उतरले ओके अच्छा दोस्तों देख सकते हैं कितने बूढ़े हैं और बाबा साहब के प्रति आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा है वो 2 दिन पहले ही आ चुके हैं क्या बोलना चाहेंगे बाबा साहब ने ऐसा क्या किया कि आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ता है क्या किया बताओ काय केलं बाबा साहेबांनी तुमच्यासाठी काय केलं का काय केलं आम्हाला सांगा तुम्ही सांगा ना मला माहिती आहे पण तुमच्या तुमच्याकडून मला ऐकायचं आहे ना आम्हाला माणसात बसवलं आणि आमच्या आम्ही त्यांची शवा मरेपर्यंत विसरणार नाही दोस्तों कल से जो है यहाँ 10, 11, 12 जो तारीख है तीनों दिन जो है वो बौद्ध धम्म की दीक्षा यहाँ पर दी जाएगी उसके लिए जो ये धम्म दीक्षा विधि के लिए जो टेंट है वो पूरी तरह से सज्ज हो चुका है आप देख सकते हैं और स्टेज जो है पूरी तरह से बन चुका है और कल के लिए जो है ये रेडी है आप देख सकते हैं और इधर में जो है मैट वगैरह डाल दी गई है इधर आप देख सकते हैं और पूरी तरह से जो है ये तैयार हो चुका है इधर आप देख सकते हैं और ये जो है तो दोस्तों आप दीक्षा भूमि में जो है हर तरफ जो है वो टेंट लगे हुए हैं और स्टॉल के लिए काफ़ी सारे जो है दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं इस साल में काफ़ी सारी हैं दुकानें और जैसा कि अंदाज़ा है आज से भीम अनुयायी जो है वो आ चुके हैं और लगभग 50 लाख से भी अधिक जो है भीम अनुयायी इस साल दीक्षा भूमि में आएंगे और दीक्षा भूमि का जायज़ा लेंगे मेन मकसद यही रहेगा और ज़्यादातर तो जो है वो थंगलान जैसी इस मूवी को देख कर जो है वो अपना खोया हुआ इतिहास जानकर जो है इस साल जो है बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे और काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पर दीक्षा भूमि में आएंगे और विजिट करेंगे तो उसके लिए जो है दीक्षा भूमि अभी तैयार है लेकिन कल बारिश हुई थी तो यहाँ पर जो है वो दलदल अभी भी है पैरों में जो है वो मिट्टी लगी रही है दोस्तों इधर में जो है अभी भी कीचड़ है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये देख सकते हैं ये अभी भी कीचड़ है यहाँ पर सूख जाना चाहिए उधर में भी है कुछ जगह पर
कल की वीडियो में दिखाया था, अभी भी है दोस्तों इधर में किसर। तो दोस्तों यह रही दीक्षा भूमि की अपडेट अभी तक की। मैंने जो है अंदर से सभी जो है अपडेट करवाया है, वहाँ पर कितने भीम अनुयायी आए हैं वो सब। अब मैं जो रांटे कॉलोनी की ओर लेकर चलता हूँ, उधर में जो क्या स्थिति है वो भी आपको अपडेट करवाता हूँ। तो चलो चलते हैं दोस्तों। तो हम रांटे कॉलोनी की ओर जा रहे हैं और उधर में जो है वो काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो उधर लेकर चलता हूँ मैं आपको। दीक्षा भूमि का रोड से आप देख सकते हैं कि किस तरह से नज़र आता है। दोस्तों यह रांटे कॉलोनी चौक है और हम इधर आ चुके हैं रांटे कॉलोनी की ओर, और रांटे कॉलोनी की ओर चलते हैं। तो इधर में जो है सभी जो टेंट हैं वो स्टॉल जो है वो लग चुके हैं, स्टॉल के टेंट, और सभी जो है वो अपनी अपनी दुकानों में जो है सामान लाना चालू कर दिए हैं। वे आपको हम लेकर चलते हैं, दोनों साइड में टेंट लगे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है वो दुकान बने हुए हैं यहाँ पर। कल सुबह से जो है वो भीम अनुयायी यहाँ पर रहेंगे। अभी जो आपको इधर शांत नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है शांत नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो दुकान है वो पूरी तरह से भर जाएंगे, सबके दुकानों में सामान लग जाएगा। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर जो है वो एंड, इधर समाज कल्याण भवन जो है वो सब उधर उस एरिया तक जो है एंड तक जो है वो सभी दुकानें जो है वो अपना सामान लेकर जो है वो सज हो जाएगी। इधर अभी आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानें हैं वो अभी खाली दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। तो दोस्तों यह रही आज की अपडेट। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वीडियोस जो है वो देख पाएंगे। नहीं तो आपको चैनल में जाना पड़ेगा या सर्च में रहना पड़ेगा, सर्च करते करते आपको मेरी शायद वीडियो दिखेगी, लेकिन आप अगर बेल दबाते हैं सब्सक्राइब करके तो आपको तुरंत वीडियो मिला करेगी, या वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाई देगा, आप उसको कुछ समय बाद भी देख सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय।